Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martin Dilbridge, Ajmer. Estron, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Main Ramnarayan Agarwal, chunki bank se main retire hua, meri retire ki sampatti sari, matlab iske andar jama ho gayi. Iske andar kuch aisa hai ki ek Lokesh Sarswat, wo ghar pe aate the. कुछ लालच दिया उन्होंने ब्याज का इंटरेस्ट का तो उसको दमा कराया एक के बाद एक करके सारी संपत्ति मेरी चले गई अब हमारे खाने के लिए भी बड़ी परेशानी आ रही है हमारे रिटायरमेंट का सारा पैसा उधर चला गया है और एक और अभी तक एक तीन तीन महीने की एफडीआर को भी मैच्योर करवा के अभी तक पैसा नहीं दिया रोज़ हमको आश्वासन देते आज देंगे कल देंगे परसों देंगे लिख के भी दे देते हैं एक मेरी एफडीआर 7 लाख की ड्यू हुई थी उसके 2 दिन पहले मैंने इनको इन्फॉर्मेशन की कि मुझे मेरी एफडीआर ड्यू हो गई है कृपया इसका भुगतान के लिए मेरी व्यवस्था करें 2 दिन बाद तो उस दिन मेरे को लिख के देते हैं राहुल दवे जो इनके एमडी हैं कि आपको 20 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा उसके बाद कई बार मिल चुका फ़ोन उठाते नहीं है न ही पेमेंट दे रहे हैं और न ही कोई बात कर रहे हैं अच्छा ये जो निवेशक है किस तरह के लोग हैं ये सब करीब करीब पेंशनर सीनियर सिटीजन है सर आज वो 60 ईयर आज हैं कितने जने हैं कितना पैसा होगा वैसे पेंशन धारक ही है करीब करीब पैसा तो बहुत है करीब अच्छा कितना पैसा 40 करोड़ के आसपास तो 40-50 करोड़ तो हमारे नॉलेज में है अब कुछ इनकी संपत्ति हो गई कभी ये जमीन बेचेंगे ये बेचेंगे कभी क्या कहते हैं कुछ हमारे समझ में ही नहीं आ रहा साहब आप पुलिस थाने गए हैं कोतवाली गए कोतवाली नहीं गए वो क्या है कि रोज़ आश्वासन ये उनको मालूम पड़ती है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो फ़ोन कर देंगे अरे भाई आपका वो दे रहा हूँ ना ये पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं मुझे 3 चेक काटे गए 3 चेक में उसका भी कोई भुगतान नहीं हुआ बाउंस हो गए तो 138 के लगा नोटिस दिया उसके बाद 130 लगाने लगे तो हमें कह दिया कि आपका पैसा दे रहे काहे को चिंता कर दो किसी ने किस तरह उलझा करके वो समय निकालते हैं बस आज कलेक्टर साहब से मिलने आए ज्ञापन देने के लिए नाम बता दें रामनारायण रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खाइलिन मार्केट केसरिया कॉम्प्लेक्स में स्थित है वहाँ हम सभी निवेशक ने करीब 2 करोड़ रुपया जमा कराया था जिसका भुगतान वो लोग नहीं कर रहे हैं क्या कह रहे हैं टाल मटोल की स्थिति कर रहे हैं कल देंगे परसों देंगे 1 महीने बाद देंगे सब जो सब निवेशक हैं सबको ये बात कर रहे हैं करीब 4-5 महीने हो गए 5-6 महीने हो गए सर मैच्योरिटी हुए अब क्या करना सभी पेंशनधारक हैं या पेंशनधारक भी हैं और सब अपने एम्प्लॉय भी हैं बिजनेस वाले भी हैं अब क्या चाह रहे हैं कुछ नहीं सर कलेक्टर महोदय को हम वो विज्ञापन देना चाह रहे हैं आपने इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज कराया नहीं कोई नहीं करवाया नाम बताओ कोतवाली में गए थे आनंद शर्मा नाम है मेरा